वह निवेदिता। इमरान खान ने पाकिस्तान की सत्ता पर जब से कब्जा जमाया है तो मानो वही समय था जब से पाकिस्तान के बुरे वक्त की शुरुआत हो गई। हालांकि पाकिस्तान की हालत तो कभी भी अच्छी थी ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हालत इमरान खान ने पहले से भी ज्यादा खराब कर दी है। अब बढ़ती महंगाई और दिन ब दिन गिरती जा रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जनता त्राहिमाम कर रही है, मानो इमरान से खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। पाकिस्तान अब ऐसे मुल्कों में गिना जाने लगा है जहां विकास पर नहीं बल्कि रोटी पर कैबिनेट मीटिंग होती है, और एक कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान की रोटी की समस्या हल नहीं हो पाई, इसलिए इमरान खान फिर एक बार रोटी पर कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं। इमरान खान फिर एक बार देश में बढ़ते जा रहे आटे के दाम की वजह से पाकिस्तान में बढ़ती रोटी की किल्लत को लेकर एक कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लिखा है, मैं आम जनता की परेशानियों को समझता हूं, जिसके लिए अब सरकार जल्द ही बेसिक फूड के दामों को कम करने के लिए अलग अलग उपाय करने जा रही है, जिस समस्या को सुलझाने के लिए एक कैबिनेट बैठक होगी। यानी कि आम आदमी के पेट भरने की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान कैबिनेट मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। इसके साथ ही इमरान खान ने एक और ट्वीट किया, लिखा, संबंधित सरकारी एजेंसियों ने एक ही समय में आटा और चीनी की बड़ी कीमतों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। देश को यह आश्वासन देना चाहिए कि जिम्मेदार सभी लोगों को जवाबदेह और दंडित किया जाएगा। पाकिस्तान की खस्ता हाल हालत से निपटना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गेहूं की कमी की वजह से पूरे पाकिस्तान में आटे का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद इमरान खान ने जमाखोरी से निपटने और कीमतों को कम करने के लिए निर्देश जनवरी महीने में ही जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसके लिए कुछ और नहीं कर पाए। यह हाल तब है जब पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की एक संस्था ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए हड़ताल का भी ऐलान किया था। सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार उन्हें कीमतें बढ़ाने नहीं देती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रेस्टोरेंट संचालकों ने भी इमरान सरकार को चुनौती दी थी, लेकिन पाकिस्तान की हालत जस की तस है। बात करें आटे की कीमत की तो कुछ इलाकों में 10 किलो आटा 700 रुपए में मिल रहा है, जो पहले 450 रुपए में मिला करता था। गेहूं की देश में कमी के चलते ये 250 से 300 रुपए महंगा हो सकता है। लाहौर के फ्लोर मिल एसोसिएशन ने भी आटा की कीमत को बढ़ाते हुए इसे 70 से 75 रुपए प्रति किलो कर दिया है। अब देखते हैं कि जब एक बार फिर आटा और रोटी पर आने वाले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था में कैसे बूम ला पाते हैं। हमारी माने तो अब इमरान खान को हार मान लेनी चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा है पाकिस्तान। इसको लेकर कई बार विपक्षी भी उन्हें अपने निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन इमरान खान कहां मानने वाले हैं।